नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग पहले ही 68th का और 67th का जो री एग्जाम हुआ था उन दोनों का क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ। अभी उसके बाद का 67th का, 66th का और 65th का, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन से ज्यादा है जो हिस्ट्री के पिछले 5 वर्षों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन का आगमन, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन का आगमन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। जैसे कि क्रिप्स मिशन कब हुआ था? मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? जुलाई 1942। लॉर्ड बेवेल कब आए थे? जून 1943। और कैबिनेट मिशन कब हुआ था? 1946। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जेपी कृपलानी, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जो थे वो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी जगदीशपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मेरठ, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जगदीशपुर, जगदीशपुर भोजपुर में है जो बिहार में है। ठीक है, जिस जो प्रचलित नाम आरा है, लेकिन आरा जिला नहीं है, भोजपुर जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी रफी अहमद किदवई, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन अभी 68 और 67 में पूछा गया है। ठीक है, तो सोचिए कितना ज्यादा रिपीट होता है। ये अगस्त 1942 में ऐसा घटना घटा था, जब जयप्रकाश नारायण जो थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ चल रहे आंदोलन की कमान संभाली थी। उसी में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने का फैसला किया था, और वहीं जाकर आगे आजाद। ये सब लिंक्ड क्वेश्चन है। ठीक है, दस्ता जो नेपाल में उन्होंने स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चितरंजन दास, ऑप्शन बी हकीम अजमल खां, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद, उसके बाद ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चितरंजन दास, याद रखिएगा नाम, जो 1922 में गया अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे हकीम अजमल खां जो थे वो अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1921 में। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद कब किए थे? तो बॉम्बे सत्र में 1934। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 में
बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वित्त विभाग, ऑप्शन बी रक्षा विभाग, ऑप्शन सी गृह विभाग, ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि विभाग, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि का विभाग था, ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल के समय। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है यूएसए, 1913 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसके जो संस्थापक थे, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में, हरदयाल, संत बाबा बशाखा सिंह, बहुत से लोग थे, उसके बाद बाबा ज्वाला सिंह, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण नाम है सोहन सिंह भाकना। तो ये नाम सब याद रखे, कभी कभी ऑप्शन में ये सभी के नाम दिए हुए रहते हैं, और ऑलरेडी बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी विपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी हाल में आया है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाल लाजपत राय, ऑप्शन डी एओ ह्यूम, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है लाल लाजपत राय, लाल लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी पुस्तक का लेखन किया गया था। तो लाल लाजपत राय को एक और चीज क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी, ये दोनों नाम याद रखिएगा। और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कीनो गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और तीनों गोलमेज कब हुआ था? 1930, 1931 और 1932, याद रखेगा डेट। इनके साथ और भी कुछ लोग थे जो इन तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे, तो कौन कौन थे? जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर तो हो गए, उसके बाद तेज बहादुर सप्रू, उसके बाद एम आर जयकर, उसके बाद एन एम जोशी, उसके बाद सी एन मुदलियार। ये सभी नाम याद रखेगा भीमराव अम्बेडकर के इंक्लूड करके, तेज बहादुर सप्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी चितरंजन दास, ऑप्शन सी डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन डी अरविंद घोष, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और इनके साथ जो थे आनंद मोहन बोस, बोस और घोष में कंफ्यूज नहीं होगा, यहां पे बोस है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस के नाम पे नेताजी जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, चटगांव
शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित था? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी सूर्य सेन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सूर्य सेन। ये कब का मामला है? ये 18 अप्रैल 1930 में ऐसा हुआ था, ठीक है। उस समय सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार पे धावा बोल दिया था अपने हथियारों को ज्यादातर उसको अर्जित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी कूका विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी नील विद्रोह, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आनंद मठ जो था, यह पुस्तक जो था 18वीं सदी में, सन्यासी विद्रोह के पृष्ठभूमि से ये लिखा गया था। तो याद रखिएगा 18वीं सदी में इनके राइटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए सरदार सिंह जी राणा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना कब की थी? तो 3 मई 1939। मैं डेट इसलिए लिखता जा रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार डेट भी पूछ देता है, ठीक है। तो इसे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए है लियाकत अली खान, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री जो थे वो लियाकत अली खान थे। याद रखिएगा अंतरिम सरकार कब बनाया गया था? 1946 में। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। 9 दिसंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनाया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अंतरिम सरकार का मुख्यतः सारा याद कर लीजिएगा, मैं एक बार बता देता हूं। जैसे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल संबंधी के प्रभारी थे। उसके बाद वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह मामलों और सूचना और प्रसारण विभाग के संभालते थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कृषि और खाद्य विभाग, ये पूछ चुका ऑलरेडी बीपीएससी। उसके बाद इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर वो थे वाणिज्य मतलब कॉमर्स विभाग के। उसके बाद बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री रक्षा विभाग के थे। लियाकत अली जो थे वित्त मंत्री थे। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा और कला मंत्री थे। जगजीवन राम, ये भी सवाल आ चुका है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगजीवन राव थे वो श्रम मंत्रालय से थे। उसके बाद जोगेंद्र नाथ जो थे वो कानूनी मंत्री थे। उसके बाद अब्दुल रब निस्तार जो थे रेलवे और संचार डाक और वायु विभाग से थे। उसके बाद सी एच भाभा जो कारखाना मतलब माइंस के विभाग संभालते थे। तो कुछ चीजें मैं बता दिया हूं, उसे एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि यहां से लगातार सवाल बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिंधो कान्हू, ऑप्शन बी बुधु भगत और तेजा भगत, ऑप्शन सी मुलु मानिक और जोधा मानिक, ऑप्शन डी मदारी पासी और सहदेव, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सिंधो कान्हू। सिंधो और कान्हू दोनों भाई थे, ठीक है। तो यही दोनों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था 1855-56 में। ये विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था? राजमहल की पहाड़ियों में के आसपास के क्षेत्र जो भागलपुर से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ये तो बहुत ही हल्का सवाल है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन है यही सही उत्तर भी है राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही आमंत्रित किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को। तो यहाँ पे एक चीज देख लेंगे हम लोग कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। तो ये याद रखिएगा,
यहाँ पे नदी कौन सा था? निरंजना नदी। यही कुछ चीजें बहुत जरूरी है ध्यान देने के लिए। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है रामानंद सिंह, उसके बाद ऑप्शन बी सतीश झा, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन डी विपिन झा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सचिंद्र नाथ सान्याल। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्र जो थे उस संगठन का नेतृत्व करता थे। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 का गठन हुआ था किन्होंने किया था? ये जो बिहार समाजवादी पार्टी थी इसकी गठन कौन किए थे? तो ऑप्शंस हैं फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी फूलन चंद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, उसके बाद ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा ये दोनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1931 का समय था, ठीक है। तो इनके गठन में और भी लोग शामिल थे जैसे गंगा शरण सिन्हा, उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद तो हो ही गया, उसके बाद रामानंद मिश्र, ये सभी लोग थे। इन सभी लोगों का भी नाम याद रखिएगा, बिहार समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी मनेर, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, ऑप्शन डी पावापुरी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सासाराम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी डाबर कोट, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी राखी गढ़ी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो भी थोड़ा भी हड़प्पन संस्कृति पढ़ा होगा ना उसे क्लियर याद होगा कि इसका सही उत्तर लोथल ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है विजयालय, ऑप्शन करिकाल, ऑप्शन सी आदित्य प्रथम, ऑप्शन डी राजा राज प्रथम, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता है कभी भी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है विजयालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 850 से 870 ईसा पूर्व में पांड्य और पल्लवों के बीच युद्ध हुआ था, उसी समय इसने अपना स्थापना किया था चोल वंश का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी संघरक्ष, ऑप्शन डी पार्श्वक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है प्रथम बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, ठीक है। यह लगभग जो हुआ था 400 BC ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ? राजगृह में। ये चीजें याद रखिएगा, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ये आयोजित हुआ था, उसका उद्देश्य मेनली था ना बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्धता बनाए रखना। तो ये जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी तो इसके समय राजा कौन थे? तो राजा जो थे वो आजात शत्रु थे, हर्यक वंश उस समय था मगध में, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेकेंड संगीत कहाँ कब हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा संगीत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और फोर्थ संगीत कहाँ हुआ था? कश्मीर में। ये चारों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीय जो पुस्तक है उसे किसने लिखा था? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भट्टी, ऑप्शन बी सूत्रक, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भारवी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है भारवी। ये 7वीं
शताब्दी में भारवी द्वारा लिखा गया था। किरातार्जुनीय इस पुस्तक में मुख्यतः जो वर्णन है वो महाभारत में शिव के साथ अर्जुन के युद्ध का वर्णन किया गया है, लघु कथा है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? पूरा किया गया, निर्माण शुरुआत नहीं किया गया, नींव नहीं रखा गया। क्लियर है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि पूरा किया गया यहाँ पे है। तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी उलग खान, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। ये समय था 1199 के आसपास का, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी इसको आगे चलकर दो मंजिला और बनाया था, ठीक है, वो 1351 की बात थी। तो ये चीजें याद रखिएगा। कुतुब मीनार की निर्माण कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी कृष्ण देवराय, ऑप्शन सी हरिहर बुक्का, ऑप्शन डी वीर नरसिंह राय, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी सही उत्तर है, ठीक है। ये कब हुआ था इसका स्थापना? 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। अंग्रेजों का राजदूत बनकर आया था, यह आया था 18 सितंबर 1615 में, ठीक है, जहांगीर के दरबार में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए अब्दुल कादरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी ख्वाजा निजामुद्दीन, ऑप्शन डी अब्दुल फजल, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात है कि इसे फारसी भाषा में लिखी गई थी, यह भी लिखा गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो रैयत बाड़ी मुख्यतः जो है, इसमें अगर ऐसा सवाल आता है तो इसमें दो बातें हो सकती है। बहुत जगह बुक्स में लिखा है कि मद्रास और बंबई, परंतु अगर ध्यान से देखा जाए, जैसे इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन ए है जो गुजरात, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बंबई, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे बोला जाता है मद्रास में ये शुरू किया गया था 1792 में, परंतु जो बंबई में शुरू किया गया था वो 1825 में, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे बीपीएससी के आंसर में दोनों दिया गया है, मद्रास और बंबई दोनों, तो बीपीएससी के आंसर के अनुसार ई हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन ए है बी डी सावरकर, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है आर सी मजुमदार, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी डी सावरकर। और इन्होंने कहा इसका वर्णन किया है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये उनका बुक है, तो याद रखिएगा 1857 का से संबंधित ये बुक लिखा गया है बी डी सावरकर के द्वारा। इसी में कहा गया है 1857 का जो विद्रोह था वो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, यह है प्रथम महिला लिखा गया है, प्रथम भारतीय महिला नहीं लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आशफ अली, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। सही उत्तर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ही प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और वहीं अगर भारतीय महिला बोल दिया जाए तो हो जाएगी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जनरल किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन ए है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी करसन दास,
मुलजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही बहिष्कृत भारत जर्नल ठीक है लिखा गया था। ये जो था मराठी भाषा में समाचार पत्र था जो लिखा गया था 1969 में प्रकाशित हुआ था। सारी चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परचिनकारी मतलब कि पित्रा दियोरा निम्नलिखित में से किसे संबंधित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ऑप्शन बी मीनारों में ढेरी दीवार बनाना, ऑप्शन सी संरचना में मेहराव का इस्तेमाल करना, ऑप्शन डी इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की निकासी करना। ठीक है तो अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था, उसको बोला जाता था तस्वीर खाना या कारखाना। ठीक है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई। यह 1765 में पेश किया गया और 1772 तक जारी रहा। रॉबर्ट क्लाइव की एक और बात थी सोसाइटी ऑफ ट्रेड, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। तो ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो यूएसए में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए थे। ठीक है अगला क्वेश्चन है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती मतलब कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए है शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बरिंद्र घोष, ऑप्शन डी दीन बंधु मित्र, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना की थी। ठीक है याद रखिएगा ये कब हुआ था 1860 में नील दर्पण की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1760 का प्रसिद्ध बांडी भाषा का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया। ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांसिसियो के विरुद्ध, ऑप्शन बी स्पेन के विरुद्ध, ऑप्शन सी मैसूर के विरुद्ध, ऑप्शन डी कर्नाटका के विरुद्ध, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है फ्रांसिसियो के विरुद्ध बांडी भाषा का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया 1760 में याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। तो ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1973, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन सी पीट इंडिया अधिनियम 1784, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में भारत में पृथक निर्वाचन मंडली मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के लिए सुविधा प्रदान कर दिया गया था, यहीं से पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था। ठीक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ।
तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कच्छ में, ऑप्शन बी सिंहभूम में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट ये तो जनजाति थे, तो ये तो पश्चिमी घाट और कच्छ होगा नहीं, दोनों गुजरात के आसपास, उधर पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, सतारा भी नहीं होगा, महाराष्ट्र भी नहीं होगा, तो इसका ऐसे भी आंसर निकाला जा सकता है। तो सिंहभूम इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह। जगदीशपुर जो भोजपुर में है, ठीक है, वहीं से कुंवर सिंह जमींदार थे मेनली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपारण में इंडिगो मतलब कि नील की खेती के किसानों की दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी अंग, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। क्यों? तो बहुत सी राजधानी थी पहले, ठीक है, तो पहले शुरुआत में तो राजगृह था, राजगीर ही राजधानी था, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र बना, तो दो तीन स्थान ऐसा यहाँ पे बन जाते हैं, इसी के लिए इसको ऑप्शन ई माना गया है। अगला क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किसे संबंधित है? तो बिहार में जनजातीय आंदोलन से, ऑप्शन बी बिहार में मजदूर आंदोलन से, ऑप्शन सी बिहार में किसान आंदोलन से, ऑप्शन डी बिहार में जाति आंदोलन से, तो ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद। मेनली किसानों को वो एकजुट करने में कामयाब रहे थे, सबसे मुख्य काम उनका यही था कि किसानों को एकजुट किए थे और भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित भी किए थे। तो इन्होंने 1929 में, स्वामी सहजानंद ने 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है चंपारण 1917। चंपारण में सबसे पहले उन्होंने पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? तो ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कालीबंगन। ये कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो ये जो है त्रिरत्न इससे संबंधित है जैन धर्म से। इसका तीनों रत्न कौन कौन से हैं याद रखिएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक चरित्र। अगला क्वेश्चन है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो आजात शत्रु तो अभी हम लोग देख लिए, तो ये नहीं हो सकता। तो अशोक बच गया, कनिष्क बच गया और काला अशोक, काला अशोक भी नहीं होगा, तो कनिष्क बहुत ही प्रचलित था कश्मीर से संबंधित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी कनिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए योग दर्शन, ऑप्शन बी न्याय दर्शन, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है वैशेषिक। याद रखिएगा कि परमाणु सिद्धांत जो दिया गया था वो वैशेषिक दर्शन में दिया गया था, और वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि
कणाद, याद रखेगा नाम कणाद, जो कि वैशेषिक दर्शन की स्थापना की थी। किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बलबन। याद रखिएगा रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। बलबन को कहा जाता है कि गुलाम वंश का जो था वो नाइन्थ नौवां शासक था। तो रक्त और लोहे की जो नीति का तात्पर्य है दुश्मनों से निर्ममता और तलवार का इस्तेमाल, कठोर और सख्ती और खून बहाना, ऐसी नीति अपनाया गया था। इसलिए इसे कहा जाता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया? तो बलबन ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक रूप पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए है चालुक्य का शासन, ऑप्शन बी है चोल का शासन, ऑप्शन सी सोलंकी, ऑप्शन डी परमार, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल। चोल के जो शासक थे वो स्थानीय स्वशासन के लिए ही प्रसिद्ध थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए संथाल बांका, ऑप्शन बी मुंडा जमुई, ऑप्शन सी उराव सुपौल, ऑप्शन डी खरवार भागलपुर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो जोड़ा सही नहीं है वो है मुंडा और जमुई, क्योंकि कटिहार जिले में सबसे ज्यादा मुंडा जनजाति, तो 4.3% जो हिस्सा था वो कटिहार जिले में था, बहुत ज्यादा था वहां पे। ये सारे भी याद रखिएगा, जैसे संथाल बाका संबंधित था, उराव जो था सुपौल से था, खरवार भागलपुर से था। तो ये चीजें सीखिए, इसी सब से क्वेश्चन बनाया जाता है आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आंसर मिल गया तो इसे छोड़ दिया गया। जो क्वेश्चन भी करते हैं उसके सारे ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज कीजिए, यही आगे चलकर आपके एग्जाम में बहुत अच्छा प्रिपरेशन को एक आकार देगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका अब तो आने वाले एग्जाम में उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन जो फिफ्थ था ई था वो समाप्त हो गया है, अब सिर्फ चार ही ऑप्शन होंगे। तो याद रखिएगा चार ही ऑप्शन होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होंगे। मैं हर एक वीडियो में लगभग बताता हूँ ये चीज कि गलती से भी किसी को मिस्टेक ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा डच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वही वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है? तो डच ने कब शुरू की थी? 1632 में, जो अब पटना कॉलेज बन गया है, ठीक है? तो पटना कॉलेज का जो क्षेत्र था वही पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? ऑप्शन ए स्वायत्तता, ऑप्शन बी लोक सहभागिता, ऑप्शन सी स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जानना, ऑप्शन डी स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है स्थानीय समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करना, ये हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है? ऑप्शन सी स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, मतलब कि अविश्वास पैदा करना। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो यहाँ पे नहीं था जरूर देखिए, ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यही सही उत्तर है, ठीक है? द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 द्वारा ही ये जो था कानूनी रूप से ऐतिहासिक नहीं था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली? तो ऑप्शन ए L&T लिमिटेड, ऑप्शन बी रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड, ऑप्शन सी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ऑप्शन डी
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये एक हिस्ट्री से अलग आ गया था क्वेश्चन, ठीक है, एक आध क्वेश्चन अलग करना भी चाहिए। तो याद रखिएगा जो संसद नया संसद बन रहा है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंदर है। ये 66 के बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, अभी तो मैं 66-65 ही बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सूर्य सेन, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना जो है वो एक उर्दू देशभक्ति गीत है जिसे किसने लिखा था, बिस्मिल अजीमाबादी, नाम याद रखिएगा बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। जिसे थोड़ा सा भी हिस्ट्री पता होगा ये ऐसे ही छाट लेगा। ये 1928 के आसपास में था। तो क्लियर हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन ही होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA इंडियन नेशनल आर्मी के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भूला भाई देसाई, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी सरदार पटेल, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भूला भाई पटेल। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी गए थे, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इस समय ऑप्शन में नहीं दिया है, इसमें कुछ लोग और थे जिसके नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भोला भाई देसाई, आशफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सपरू, उसके बाद कैलाश नाथ मंजू। ये कभी भी मल्टीपल ऑप्शन दे के फंसा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सारे जो नाम मैंने बताया इसे याद रखिएगा कि INA के मुकदमा में कौन कौन शामिल होते, खास के भूला भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू तो जरूर याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? मैडम कामा याद रखिएगा नाम, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी स्टुअर्ट, ऑप्शन डी जिनेवा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है स्टुअर्ट। स्टुअर्ट में ही मैडम कामा ने भारत के तिरंगा को फहराया था 1907 में, ठीक है, याद रखिएगा 1907 में स्टुअर्ट में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा फहराया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है वो सही है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए विनोबा भावे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये पहले सत्याग्रही थे, सी आर दास देश बंधु, सी विलियम वेडरवर 1907 के कांग्रेस सभापति, उसके बाद ऑप्शन डी है श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये सही जोड़ा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिन घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए है 26-31, ऑप्शन बी है 15-8-1947, ऑप्शन सी है 30-1-1948, ऑप्शन डी है 31-12-1950, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। ये तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि एक ही चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 26 जनवरी 1930। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन सी
1914, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, ये कभी नहीं होगा, एक ही चुनना है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912, 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा बना, उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमान रखा जाता था? ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 3/20, ऑप्शन डी 3/25, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कि 20 कट्ठा के, जो सबसे उपजाऊ जमीन में सबसे उपजाऊ 3 कट्ठा का जमीन नील की खेती के लिए लिया जाता था जबरन ब्रिटिशर्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी राबड़ी देवी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे श्री कृष्ण सिंह, याद रखेगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी दरभंगा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना, ठीक है, पटना में ही बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया, कब? 1912 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये जो था वो कांग्रेस का 27वां सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण को अपनी जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रजा हितैषु, ऑप्शन बी लोकनायक, ऑप्शन सी लोकमान्य, तो लोकनायक और लोकमान्य में लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो लोकमान्य तिलक होता है तो वो बाल गंगाधर तिलक के लिए होता है, तो बस यहीं से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, तो लोकनायक हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकनायक, ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ऑप्शन ए सामलदास कॉलेज भावनगर नगर, उसके बाद ऑप्शन बी धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, ऑप्शन सी गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, ऑप्शन डी बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ये हो जाएगा सामलदास कॉलेज भावनगर, यहीं से गांधी जी पढ़े थे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नाना साहब जो कानपुर से सक्रिय थे, ऑप्शन बी जो है बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से संबंधित थी, ऑप्शन सी जो है बेगम जीनत महल दिल्ली, ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक, तो इसमें मेनली जो हो जाएगा ना आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये भी भाग लिए थे और ये भी भाग लिए थे, तो एक से ज्यादा हो जाएगा ई, ठीक है, और याद रख लिया क्षेत्रों के अनुसार, जैसे बरेली में कोई और थे, दिल्ली में कोई और थे, दिल्ली में ये शायद गलत है, ठीक है, तो इन सभी चीजों को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे, मतलब कि हमें एक ऐसा नियम बनाने का अधिकार दिया गया है कि हम नियम तो बना सकते हैं लेकिन सारा बीटो जो वो अंग्रेज सरकार लगा सकती है, तो इसी के लिए कहा गया हमें एक ऐसा कार दिया गया है जो ब्रेक तो ढेर सारे हैं लेकिन इसमें इंजन ही नहीं है, तो इसके कौन से अधिनियम थे जिसके बारे में बता रहे थे जवाहरलाल नेहरू? तो ऑप्शन ए 1858 का अधिनियम, इस समय तो जवाहरलाल नेहरू है ही नहीं थे, 1909 का अधिनियम, उसके बाद ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम, उसके बाद ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम, उसके बाद ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक,
इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 का अधिनियम, जिसमें कहा गया था, साइमन कमीशन ने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का बात किया था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 ने इसकी मंत्रा नहीं की, तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि हमें ऐसी कार दी गई जिसमें इंजन ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिनों की हुई थी? ऑप्शन है 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होंगे उत्तर, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 दिन। यहाँ पे डेट भी आप लिख लीजिए, 12 मार्च को यात्रा शुरू की गई थी और उसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ दिया गया था। तो याद रख लीजिएगा 24 दिन, ठीक है, और 5 मई को गांधी जी गिरफ्तार हो गए। अगला क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी निवारण चंद्र, ऑप्शन डी मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका क्या होगा उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। इस पुस्तक में लिखा गया, मेनली औपनिवेशिक राज्य के मन के सम्मोहक विजय के खिलाफ चेतावनी दी, इसी के बारे में इसमें लिखा गया था। इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों के प्रदर्शन को भी प्रेरित किया था। तो यही थी मुख्य बातें, देश को अपना प्रेरित किया था और अंग्रेजों के खिलाफ बोला था। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अब्दुल बारी, ऑप्शन बी लंबोदर मुखर्जी, ऑप्शन सी मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन डी रामानंद चटर्जी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद ने ही सर्च लाइट ये जो है समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो सन 1931 में बिहार साम्राज्यवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन बी स्वामी योगानंद, ऑप्शन सी नरहरि पारिख, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये एओ ह्यूम थे 1885 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लड़के लूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन करने के लिए भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी बताइएगा उतना जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ब्रिटिशर्स के बर्बरता को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार को ब्रिटिशरों को लौटा दिया, जिसमें 379 निर्दोष लोग मारे गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लाल लाजपत राय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी भगत सिंह, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, भारत सेवक समाज। ये भी यूपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद रखिएगा, जो 2-3 जगह से, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी अलग अलग स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में आ रहा सवाल तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कब किया गया था इसकी स्थापना?
भारत सेवक समाज या द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना पुणे में, ठीक है, 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देख लें, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला, ऑप्शन बी वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, ऑप्शन डी सूर्य सेन और ऊधम सिंह, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला। इसके अलावा भी दो लोग थे, जैसे राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, सी आर दास, ऑप्शन बी एम जी रनाडे, उसके बाद ऑप्शन सी बी डी सावरकर, उसके बाद ऑप्शन डी एस एन बनर्जी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आर दास, चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 24 सितंबर 1873 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है, सत्यशोधक समाज की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहले भी ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ चुका है, श्रीमती एनी बेसेंट। अभी हमने बताया था कि प्रथम महिला जो थी वो एनी बेसेंट थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी, याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फर्स्ट थे विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू और थर्ड थे बृहदरथ, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी तारकनाथ दास। तो यहां पे ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसमें हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, यही थे लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक, ठीक है। ये कब किए थे इसकी स्थापना? 1905 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व, अभी हमने सारा का सारा नमक सत्याग्रह पढ़ा है, मैं सारा का सारा वीडियो में दे चुका हूं, प्लीज उस वीडियो में जाके देखें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं पूरा पूरा कंप्लीट कराया हूं, उसे जाकर देखेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि मैं पहले इसलिए ही सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था भागलपुर में? तो ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी महादेव लाल सराफ, ऑप्शन सी कुमार मिश्र, ऑप्शन डी सत्यनारायण, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा महादेव लाल सराफ, ठीक है, ये 1930 में जब नमक सत्याग्रह चल रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद,
उसके बाद ऑप्शन डी स्वामी योगानंद, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है राहुल संकृत्यायन। यह कब हुआ था? 1939 में। इस सत्याग्रह के दौरान राहुल संकृत्यायन को झूठ मुकदमे मतलब झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया और 6 माह के लिए सजा दी गई। तो नाम याद रखेगा अंबारी सत्याग्रह, जो कि राहुल संकृत्यायन के द्वारा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी सर गणेश सिंह, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। वह एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य भी थे। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राम सुंदर सिंह, ऑप्शन सी गंगा शरण सिंह, ऑप्शन डी रामानंद मिश्र, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसमें कहा जाता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1929 में। अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं, ठीक है, जो किसानों पर जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? अभी अभी तुरंत ही बताया हूँ ये सर, देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है। 1632 का सही आंसर है। तो ये सारे इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया किस टॉपिक से ज्यादातर सवाल बन रहे हैं। अभी हम लोग इसी 100 क्वेश्चन में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन देख चुके हैं जो रिपीट हो चुके हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियदर्शी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है सुश्रुत, ऑप्शन बी हो जाएगा सौमिला, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी शौनक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुश्रुत, ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसमें कहा जाता है कि जो सुश्रुत थे वो भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक और सर्जन थे, इसलिए इन्हें औषधि के क्षेत्र में कार्य करने का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। तो याद रखिएगा सुश्रुत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी शारदा लिपि, ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन डी नंदनागरी लिपि, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि खरोष्ठी लिपि जो है ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि ही दाहिने से बाएं लिखे जाते थे, मतलब कि राइट टू लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी भड़ौच, ऑप्शन डी कैम्बे, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्रलिप्ति पत्तन। ठीक है, यहाँ पे ही उत्तर भारतीय व्यापार को नियंत्रित किया जाता था गुप्त काल के समय में। अगला क्वेश्चन है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं। हुमायूं तो आधा समय भागा ही रहा था तो हुमायूं तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के काल में चित्रकला सर्वोत्तम स्थिति में था। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राजस्व एकत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी सैनिकों की
सुगमता से भर्ती हेतु, ऑप्शन सी धार्मिक स्वभाव की स्थापना करने के लिए, ऑप्शन डी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो ये हो जाएगा सेना में भर्ती होने की सुविधा के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। अगला क्वेश्चन अब फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा बचा नहीं होगा। अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शिवाजी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ने ही अष्ट प्रधान की स्थापना की थी, गठन किया था, ठीक है। इसमें मेनली अष्ट प्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा, अमात्य, बाक्यान्वीश, सुमंत, सूरनबीस, सर ए नौबत, उसके बाद पंडित राव और न्यायाधीश, ये आठ पद होते थे, ठीक है। इसलिए उसको कहा जाता था अष्ट प्रधान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों की निर्माण किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी अंग्रेज, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में, ये सेम क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी कैप्टन सलीमन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर वंश, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका उन्मूलन कौन किया था? WH स्लीमैन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसको ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो लॉर्ड लिटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वर्धा, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी सेवाग्राम, ऑप्शन डी साबरमती, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साबरमती। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जहां पे नमक कानून तोड़ने के लिए 78 अनुयायियों के साथ वो निकले थे 24 दिन की यात्रा पे, और जाकर नमक कानून तोड़ा था, ठीक है, दांडी के तट पर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साबरमती आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चितरंजन दास, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी लाल लाजपत राय, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो ये याद रखिएगा, ये साबरमती नहीं है, साराबंदी है, मेरे बोलने में मिस्टेक हो गया था। साराबंदी, साराबंदी आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1922 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसके सही उत्तर जो है जेबी कृपलानी थे, ठीक है। भारत के विभाजन 1947 के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे, याद रखिएगा नाम, ठीक है। 1946 में ही वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के विभाजन के समय, ये सेम ही क्वेश्चन है जेबी कृपलानी, फिर बिहार में 1857 के
विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद, ये भी देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अभी ही हम लोग बस 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम 150 क्वेश्चन किए होंगे और उसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो ये देखिए कि रिपीटेशन कितना ज्यादा हो रहा है। तो इसी में देख लेते हैं, तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद ने ही असहयोग आंदोलन के समय किसानों का नेतृत्व किया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो इस प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा, ऑप्शन बी रैयत बाड़ी प्रथा, ऑप्शन सी महालबाड़ी प्रथा, ऑप्शन डी धनसाल प्रथा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसको कहा जाता है कि रैयत बाड़ी प्रथा, जिसमें किसान जो होते हैं स्वयं भूमि के मालिक होते हैं, जिस प्रणाली के तहत किसान खुद की जमीन का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है और उसे रैयत बाड़ी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। तो ये थे, पूरा का पूरा मैं हिस्ट्री बता दिया हूँ, 68th, 67th, 67th के दोनों एग्जाम, एक पहले हुए थे और एक री एग्जाम, दोनों का मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है, 66, 65। तो ये 5 साल, मतलब कि इसमें 2 साल का कंप्लीट हो गया, तो 5 साल का मैं कंप्लीट कर दिया हूँ हिस्ट्री। अब जल्दी जल्दी मैं साइंस का अगला लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें भी एक ही वीडियो में प्रयास करूंगा कि पूरा का पूरा 5ों वर्ष का क्वेश्चन आ जाए, जिससे कि रिवाइज करने में आसानी हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।